साहब फैसल साहब के वाले की गिरामी मोहम्मद हनीफ मुगल साहब रूह मकफूर अल्लाह ने दर्जा तेज बुलंदी अता फरमाए सड़े सारे मौजूद मेहमान ने जीवाकार भाई मोहम्मद फियाज साहब मेरी गुजारिश है इंतजामिया की तरफों मेरी तरफों के अगर फियाज साहब मेरी आवाज़ में सुन लेने तो उधरा मेंबरशिप से तशरीफ लिया स्टेज से तशरीफ लिया मैं सारे अहबाब को मुबारकबाद पेश करांगा हमारे मोहम्मद रियाज साहब रियासत खान साहब गौस मोहम्मद गोंदल साहब मोहम्मद सरदार साहब ओवैस बाबा जी मोहम्मद अनवर चिश्ती साहब मियाँ मोहम्मद लियाकत साहब सैयद मुबारक शाह साहब और साढ़े अजीम भट्टी साहब चांद ढिल्लू साहब सैयद शफकत सरवर साहब अली हसन खान साहब और इरफान जट साहब उस्ताद रियाज साहब मियाँ सलीम मदनान शाह साहब तारक भाई मिठू वीरक मलक नसीर हाफिज उस्मान खादम गोंदल इमरान जट ते भाई और सारी इन्हां दी पूरी टीम और जितों जितों भी तुसीं तशरीफ लिआए हो मैं सारिआं नूं मुबारकबाद पेश करांगा। यकीनन नशरी वालिआं नूं इह जिक्र नसीब हुंदा है। कारी साहब ने जिहड़ा सोहणा कुरान पाक सानूं सुणाया है एक वारी ओड़ी सोहणी मैनूं सुभान अल्लाह सुणाओ फिर एक वारी मेरे कहण ते एक वारी अपनी मर्जी नाल भी सुभान अल्लाह दी आवाज आए। यकीन करो थकावट उतर गई तड़ा जौक वेख के तड़ी मोहब्बत वेख के गलियां ते तंग ने अक्सर शहरां दीआं तंग होंदियां ने पर दिल तुहाड़े तंग नहीं अलहमदुलिल्लाह खूबसूरत इंतजाम है। मैं यकीन करो गड्डी चों निकलना बड़ा औखा जिहा हो गया सी थकावट की वजह तो सफर की वजह तो सोशल मीडिया भरिया पिया सुबह कित्थे दोपहर कित्थे शाम कित्थे सुमा अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला साइया की मेहरबानी लेकिन इतने आके पता लग गया कि महफिल फरीद नगर च नहीं हो रही बल्कि गुंबद खजरा के साए दे थले हो रही है। माशा एक कलाम के चंद मिसरे पेश करके मैं सईद रजा साहब चिश्ती जे साडे कसूर तो तशरीफ लिआए ने उन्होंने माइक हवाले करना फिर पांच सात मिनट की नौकरी पेश करके जनाब मोहतरम मुजम्मल हुसैन सैफी साहब माशाल्लाह ये अलग ही पीर लगता है उत्ते दस्तार तो रफ्तार कमाल का फिर उन्होंने तो बाद पीर साहब का बयान तो पीर साहब आजम साहब को आप ही दावा दे देंगे इंशाल्लाह उन्होंने दावा देनी आती है। ठीक है जनाब इतनी कि मेरी नौकरी है लेकिन मैं मेरा दिल तो करता मैं इतने कुली पा लवा कमाल दे लोग हो यार शेखपुरे वाले हो अल्लाह तुहानू वसदा रखे तुसीं सलामत रहो एक सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं थोड़ी ताकत मिले तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और रौला कोई नहीं जे अल्लाह की कसम यह गल याद रखो अपन पूरी जिंदगी ना मुक मुका किया है इन्हें दोगे यह मेरा अकाउंट नंबर है मैं सवेरे मर जाना है अजे पैसे जमा करा दे ना नो टेंशन इस गल की इसलिए कि मेरा लंगर किसी चौधरी के बूहे से नहीं पिया मेरा लंगर सैयद अदहरा की चौखड़ से पिया है। मैं तन मन धन कुर्बान करा उस बंदे तो मेरा वस लगे ना मेरा वस लगे अल्लाह की कसम मैंने तुसा उतर पाया है मेरा दिल करता मैं वो मेन गेट से खड़ा हो जावा जिथों तुम लंघो थोड़े पैरों के नाल लगन वाली मिट्टी को उतार के अपनी अखा का सुरमा बनावा आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं बिस्मिल्लाह तुम मेरे मेहमान नहीं हो इन्हों मेहमान नहीं हो तुम जहरा के बाबे के मेहमान हो तुसी हसनैन करीम मैं नाना जान के मेहमान हो लो जी मैं एक कलाम के चंद मिसरे पेश करन लगा जी मेरा दिल कर रहा है बड़ी देर तो बाद मैं इहदा थोड़ा जिहा बरकत लैण वास्ते बाबा जी तुहाडी मुहब्बत का शुक्रिया जनाब तुसा दी मुकम्मल ही चिश्ती हो हाँ रंग ढंग हैं कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लहंदा रहंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद कदी ना चढ़िया लहंदा हैं जिन्हों जिहड़ा बंदा फिनाफी शेख हो जाए ना फिनाफी शेख पहली सीढ़ी है बच्चों का खेल नहीं इसमें समझने वास्ते तरीकत तरीकत होती है मार्फत मार्फत होती है। चलो मैं स्पेंडे च नहीं पहना चाहता तुम कलाम सुनो तो सईद भाई दे माइक हवाले करिए तो अजो रखो मैं की कहना चाहना जमीन हवा फदा खला अतारुद
जोहरा मरीख मुश्तरी पहला समान चांद सूरज तारे दूसरा समान तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा इजराइल मैकाइल इसराफील जन्नत सब कुछ नीचे सिदरतुल मुंतहा नीचे यहाँ तक कि ला मकान नीचे मेरे नबी के नालायनों पर सुभान अल्लाह हाय 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 हर चीज नीचे आका के नालायन ऊपर नालायन कदमों में होते हैं हसनैन मोड़िया दे होते हैं सुभान अल्लाह ये भी कल याद रखो जी मैं लेना चाहना मेहरबानी कर लीजिए पूरी तवज्जो रखनी मेरे वाले हजरत नालायन आका करीम के कदमैन में हसन और हुसैन हजूर के सीने से मर्तबा तुसी देखो अगर कदमैन दा अगर नालायन दा ए मकाम है कि अरशों पार हजूर दे जोड़े चले गए ते जदों हुसैन ते हसन मोटिया ते बैंदे सन इना दा जाना कि थोड़ा कि क्या है बिस्मिल्लाह जड़ी मैं गल करनी चाहना तवज्जो रखना सब कुछ देखा शायर ने तो कह दिया क्या मेरे साथ मिलके बोले आ जाए वो नबियों मेरे मात लकब पाने वाले मोहब्बत हवा कैमरा घुमा उस बंदे का हाथ कैप्चर कर जिसका अकीदा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी मोहम्मद हमारे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता बिगड़े भी बना देता है बस नाम है मोहम्मद मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बेटा एक मिनट है मैंने तो सो गल सुन मेरी यार अल्लाह ताला इन्होंने नवाजे इतने मेरी इज्जत और मेरी आबरू रख रहे ने लेकिन तुहाडे के नाल भी मेरी कोई गुजारिश है क्या नबी पाक तो वड्डी किसे दी शान है हैं अल्लाह तो बात अगर को मर्तबा है इज्जत अजमत है तो साइयां दी है तो साइयां दा सदका बाकी सारे नु मिली है पमा सक सवा लाख नबी ने ते पमा वली ने ते पमा ताबाई ने ते पमा तेरा पीर है ते पमा मेरा पीर है लेकिन हाथ इथे नहीं हाथ बुलंद करो ताकि पता लगे सानु जड़ी मामा ने लोरी दी है अल्लड़ बल्लड़ दी नहीं दी नाम मोहम्मद की लोरी दी है वो बंदा हाथ चुकेगा जे दी अम्मा ने लोरी दे दिया इधर झूला गया आखा या मोहम्मद इधर गया आखा या अली या मोहम्मद या अली पाक माता पुत्र हाथ उठा के बोलेगा मोहम्मद हमारे शान मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी शान मोहम्मद हमारे जदन दा जन्म दिता है इन्हें मेनू अम्मा ही नहीं आख्या मेरे कान तरस गए मेनू अम्मा आखे मेरे कान तरस गए मेनू अम्मा आखे मेरे कान तरस गए मेनू अम्मा आखे सुनिया जो मेरिया सहेलियां रल पैंदियां ने उन्हां दे पुत्र आके अपनियां मावां नूं अम्मा कहिंदे ने मेरा कलेजा फट जाता है मेरा पुत्र भी बोले मेरा पुत्र भी बोले मेरा पुत्र भी बोले सारा दे बाबे ने उस बच्चे ने झोली च बिठाया और फरमाया पुत्र दस मैं कौन बस जन्म लेने वाला गूंगा था माँ की गोद में गूंगा था अपने घर में गूंगा था अपनी गली में गूंगा था अपने मोहल्ले में गूंगा था जब हजूर ने फरमाया दस मैं कौन गूंगा बचल के बोलिया मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे अब तो जो मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई ये बाबा भी चिश्ती है जैसा कलाम पेश कर रहे हैं हमें ओ चिश्ती हो तो कादरी हो ये बाबा भी चिश्ती है ना है मोहम्मद यार फरीदी गुलाम है खाजा गुलाम फरीदा तो गुलाम फरीद गुलाम है बाबा फरीदा एक ही केंद्र मोहम्मद यार फरीदी एक केंद्र ने मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई
जुल्फ देखी है नजरों ने जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया इन वाहवा जुल्फा मदनी दिया इन जुल्फा ते जेड़ी पाके सवा लाख नबियां दी लाज जेड़ी पग है सवा लाख नबियां दी हाथ नीचे रहो यार हाथ बुलंद कर दे बस जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया इन जुल्फा ते जेड़ी पग है इन जुल्फा ते जेड़ी पग है सवा लाख नबियां दी लाज है बस जुल्फा मदनी दिया जुल्फा मदनी दिया आखिरी शेर इन जुल्फा ते सोना इमामा जुल्फात सोना इमामा जुल्फात सोना इमामा इन जुल्फात सोना इमामा बाबे और अभी बदे है लेकिन याद रखिया जे इन जुल्फात सोना इमामा ए सवा लाख नबी करन सलामा जुल्फात सलामा जुल्फात हाथ उठा के मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बाबा जी सरदार साहब और बाबा जी हनीफ मुगल साहब एक तो अल्लाह प्यारे के दूसरे अल्लाह ने जिंदगी देवे अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे और जिस महल्ले के सारे बाबे सलामत रहन विचे बाबा अनवर चिश्ती ते विचे तुहाडे अब्बे दादे लेकिन जुमला याद रखिया जे ए मेरी बस ए मैं वाइंड अप करन लगा लेकिन एक वारी हथियार रख के मेरे नाल कह दियो जुल्फा हाँ तो एक बारी कह दियो मुहम्मद हमारे मैं निकलिया रावलपिंडी तो सर्दी बड़ी हो रही तो महफिल तो मैं फारग होया जो मैं दीने तो पिछे तो सुहावे दे सेंटर से बकड़ा ले आया ना बकड़ा ले और रोड से कैसे एक्सीडेंट होया मैं ब्रेक लवा ले गड्डी दे मैं जो अपनी गड्डी रोकी तो फिर जो तकिया सारी बस तबाह हो गई शीशे टूट गए सीटा तक लेकिन बंदियां नू एक दराड़ तक ना आई एक खराश तक ना आई सारे शीशे टूटे सन तो जो फ्रंट वाला शीशा सी ना ड्राइवर दे वाला जी फर्स्ट स्क्रीन होंगी है ओदे ते दरार तक भी ना आई क्यों ओदे उत्ते लिखिया सी मुहम्मद हमारे हाय हाय एक बार यार एक बार दा चुके एक बार दा चुको ना तुहानू कसम पैदा करन वाले दी अपने घरां दे दरवाजियां ते लिख दियो अरे अरे गुमाश्तों का पता लग जाए हम मुसलमानों का कीदा क्या है मुहम्मद हमारे मुहम्मद हमारे मुहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये रहमान वाले लगाते हैं नारा लगाते हैं नारा ये रहमान वाले ए चल गए सारे शैतान वाले मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे अरे अगली सजाई जे ते झंडियां लाइया जे ते बत्तियां लाइया जे ते लंगर पकाया जे ते ना थाना नू बुलाया जे मुजम्मल सैफी नू बुलाया जे सईद रदा नू बुलाया जे मेरे जे नकम्मे बंदे नू बुलाया है ते दरिया बिछा के बह गए ते की दास्तान लैके बह गए की हसरत लैके बाबा जी नहीं मुगल साहब कबर च उतर गए की हसरत लैके बैठे ने बाबा जी सरदार साहब की लैके हसरत तुसी बैठे हो बाबा जी अनवर साहब होंगे तुसी बैठे हो की हसरत लैके बैठे हो सारे नौजवान इको ही हसरत है ना कि एक बारी लंघा तू साडी जात है हाय हाय एक बार लंघा तू साड़ी जाते दारियां करेसा सिक्का लहाते फुल पान मिसरी अलैचियां मगेसा इतर गुलाबा थी मल मल धवेसा कंगी करेसा मेहंदी लवेसा ओ चात देखो ना चात की है कदी को बंदा लाड़ा बंदा वेख्या जे अच्छा जने जड़ा नहीं वेख्या अल्लाह करे ओ बड़े अब बाबे री फरमांदे ने आमीन दे दूजी बारी बनना जी सुभान अल्लाह कि अम्मारी ने सुन लै करो करे आलम कोई गल नहीं होंगी बबर शेर वाली गल अगो कर जावे तो जो बीतेगी तो बाद की गल बंद तो बंदा कहे ना कोई गल नहीं अल्लाह जी तवज्जो रखना जरा माफा ना मुजम्मल करो कर सारा आलम लेकिन तवज्जो एक बार चाचू जी भाई तशरीफ रखिया मैं थोड़ा ऐलान करा मैं भी कुछ न्याज तुम देख के जावगा लेकिन तवज्जो ए प्यार करना जी प्यार का मतलब यह नहीं कि सिर से हाथ फिर के कोल ही बालना है भी कितों आया तो कितने जाना है यदि खिदमत कर ठीक है जना ये खुशबू लैके आए तो बंदा गिफ्ट लैके आवे उन्होंने तोहफे के बदले तोहफा दे दिया ठीक है यदि खिदमत कर दिया जी लो जी जुमला याद रखो तवज्जो अल्लाह करे मेरे इस जुमले की समझ आ जाए हसाना मकसूद नहीं मैं चिश्ती हाँ इस दौर हासा बड़ा औखा निकलना गया इस वास्ते सिर्फ मैं पाकिस्तान की हुकूमत वैसे तो मेरा पहले ही सलाम है लेकिन जो ऐलान साढ़े वज़ीर आज़म ने नवा किया ना
वो पता तुम की किया है उन्हें क्या पूरे अठ दिन इश्के मुस्तफा का हफ्ता मनाओ। मैं क्या वाओ खान साहब गल तो तुसा की है चंगी लेकिन मैं अठा दिन वाला आशिक नहीं हाँ। ए गल याद रखिया जे खान जी तुहाडी बड़ी सोच अच्छी है पठान हो ना किधर गए उस्मान साहब ये भी खान ही ने ना जाके लगे आगे मैं तो गड्डी का तेल नहीं देना तो पठाना की गल करके गल नहीं गल एक पठान की है सारी मैं बदला लेकिन मेरा दाता हजवेरी भी पठान है और मेरा पीर पठान भी पीर पठान है लेकिन जी गल मैं लिया खान साहब ने बड़ी देखो जी आर्मी सतह से एडी वी गल करनी मैं सलाम पेश कर तो वजीर आजम को बिल्कुल किसी डर खौफ की वजह तो नहीं अच्छी बात करके कि पूरा हफ्ता इश्के मुस्तफा में मनाया जाए लेकिन साढ़े दिल की भी आवाज़ है असी अठ दिन के आशिक नहीं हाँ असी माँ के गोद विचों ते मां दी लोरी विचों ते फिर जवानी ते फिर लड़कपन ते फिर बचपन फिर बुढ़ापा फिर कब्र विच भी जाके आखांगे मुहम्मद हमारे। बहुत शुक्रिया जी मैं दावत नाथ दे रहा हूँ अलहमदुल्ला मैं अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल ठीक नभा रहा सईद रज़ा चिश्ती साहब तशरीफ लिया ने शहर कसूर तो तशरीफ लियाए साढ़े मेहमान ये बुले शाह कसूरी तो भी सदके जावा बाबा जी ये भी कहें इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला सुभान अल्लाह आखो बाबे बुले शाह दे शेर ते इट खड़के जी सैयद शफकत शाह साहब किबला पंजाब पुलिस से हमारे मेहमान ठहरे वो आ रहे हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा ऐ गलीदार कि इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला आ फकीर रज रज खावन ते राजी हो गए बुला बुल्ले शाह कसूरी की भी क्या बात है जी क्या बात है जी मैं शाह साहब किबला तशरीफ लियाए मैं दिल की अथा कराइया नाल आप खुश आमदे दखागा सैयद शौकत शाह साहब ये पंजाब पुलिस ननकाणा साहब तो साढ़े मेहमान ठहरे मैं सारी टीम की तरफों इन्हों वेलकम करा खुश आमदे दखागा मेरे वास्ते सारे चीफ गैसट बैठे हो क्योंकि इतने खलो के नात पढ़नी हजरत हसान की सुनत है इतने बह के झूम झूम के नात सुननी अम्मा उन्हों के लाल की सुनत है बिस्मिल्लाह हम दर्जा अपना वेख लो तुम वे हो कि मैं वा अल्लाह की कसम तुम वे हो जरूरी नहीं कि कुमें दस्तार हो गुफ्तार हो रफ्तार हो जुबा हो कुबा होंज होंज हो ना 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 असं उस बंद वा पीर मानने जो थले वी पराडो हो जवान अल्लाह के ना फयाज साहब नहीं आ रहे किसी ने फयाज साहब सारे तो लंबे नजर तो होने चाहिए फयाज साहब कितने ने उपरों की आ रहे हैं फयाज आना ही उपरों की चाहिए है लो जी ये भी एक बड़ी लंबी चौड़ी गल होती है ना ये लफ्ज जी फयाज भाई खुश आमदे जनाब सत बिस्मिल्लाह लो जी वो कहते ने पूरी गली नालों लंबे ने अलहमदुल्ला अल्लाह इन्हें लंबे ही रखे अल्लाह इस इज्जत में सलामती रखे लो जी मेरा भाई अपनी हाजिरी पेश करो।